वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज गाइस, आज मैं आपको एमएस एक्सेल के डे टू में कैलकुलेशंस के बारे में बताऊंगा। सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम, ये हमारे सभी फार्मूलाज हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। सो सबसे पहले हम एक्सेल की वर्कबुक को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं मैंशन कर देता हूँ कि हमने सम कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ली हैं। तो यहाँ पे मुझे आंसर चाहिए कि इन सभी का टोटल कितना है और इनका सम क्या है। तो आप किसी भी सेल में फॉर्मूला लगा सकते हो, तो मुझे तो यही चाहिए। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे इक्वल टू एस यू एम सम ब्रैकेट स्टार्ट। जितने भी हमारे सेल्स हैं उन सभी को सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारी रेंज बन जाएगी A2 से लेके A8 तक की, और ब्रैकेट कर देंगे बंद और एंटर दबाएंगे। तो ये 326 हमारा आंसर आ चुका है। एक बार फिर देखिए, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन सभी सेल की सिलेक्शंस, ब्रैकेट बंद और एंटर। गाइस, इसे आप ऑटो सम से भी कर सकते हो। ऑटो सम करने के लिए हम इन सभी सेल की सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे राइट साइड में आपके पास ऑप्शन है ऑटो सम की। ऑटो सम क्या करता है कि आप विदाउट फार्मूला आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको मैंने सिर्फ क्लिक करना है, तो विद इन अ सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है माइनस, तो इस पर मैं कुछ वैल्यू नोट करता हूँ 500 200। तो हमने 500 में से 200 माइनस करने हैं। तो हम यूज़ करेंगे इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट। तो फर्स्ट सेल जो हमारा है C2 है 500 वाला, माइनस का निशान यूज़ करेंगे, और दूसरा सेल यूज़ करेंगे 200 वाला, और ब्रैकेट कर देंगे बंद और एंटर। तो 300 हमारा आंसर आ चुका है। तो गाइस, अब मैं छोटी वैल्यू लूँगा, 100 में से आपने 250 को माइनस करना है। हम यूज़ करेंगे इक्वल टू ब्रैकेट फर्स्ट सेल माइनस सेकेंड सेल, और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे। तो ये हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट फार्मूला है हमारा मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में जैसे हम कुछ वैल्यू लेते हैं, 45 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट सेल हमारा F2 बनेगा, स्टार का निशान और दूसरा सेल, और ब्रैकेट कर देंगे बंद। हमारा आंसर है 2250, ये आ जाएगा। लास्ट फार्मूला हमारा डिवाइड का। तो डिवाइड में हम 1000 को 20 से डिवाइड करना है। तो हम यूज़ करेंगे इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1000 स्लैश, और दूसरा सेल हमारा 20 वाला, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, और हमारा आंसर 50 आ जाएगा। तो गाइस, आप इन सभी में बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको बॉर्डर लगाया और सेंटर में किया, और जहाँ पे हमारा आंसर था उसको हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इससे। उसके बाद हम माइनस पे भी ऐसे यूज करेंगे, जो हमारा आंसर है उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। मल्टीप्लाई में भी सेम करेंगे, और डिवाइड वाले केस में भी हम सेम करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारे सम, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हमने क्या करना है कि जैसे मेरे पास कुछ वैल्यूज है 45, 50, 20, 30, 40, कुछ वैल्यू मैं पॉइंट्स में ले लेता हूँ 45 0। तो अब हमने इन सभी का टोटल निकालना है इनके नीचे, मींस 45 और 50 कितने होते हैं। तो हम सभी में हमने फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अब मैं देखिए, अब मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो सिर्फ एक पी लगाऊंगा। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद और एंटर 95। गाइस, अब हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं या फिर इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉपी करेंगे। तो हमने क्या करना है, 95 जहाँ पर लिखा हुआ है इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पर सिलेक्ट करके
पेस्ट कर देंगे तो ये अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे 50 और 20 70, तो इनको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा कॉपी। अब हम इसको थोड़ा डिलीट करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे राइट तरफ, तो ऐसे हम ड्रैग करके फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं। अब जो मैंने ड्रैग किया वो रो वाइज किया, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन सभी सेल की सिलेक्शंस, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो 248.51 हमारा आंसर आ चुका है। इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, इसको आप कलर दे दो। अब आगे हम अगले नेक्स्ट फोर फॉर्मूलाज करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला जो है हमारा वो है काउंट का, उसके बाद हम करेंगे एवरेज, नेक्स्ट है हमारा MIN, मिन, मिन मीन्स मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, और उसके बाद है मैक्स, मैक्स मीन्स मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो। तो काउंट में हम जैसे एक वैल्यू लेते हैं 45, 0, 79, 12, 20, 30, 40, तो मैंने इन सभी का काउंट करना है। तो हम यूज़ करेंगे इक्वल टू count काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, इन सभी सेल की सिलेक्शन, और ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। काउंट में क्या होगा कि जितने भी हमारे सेल्स हैं, इन सेल में जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू नोट है उन सभी को ये काउंट करेगा। तो ये 7 हमारा आंसर आ चुका है। इस पर हम बॉर्डर लगा लेंगे, इसको सेंटर, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आया हुआ उसको हाईलाइट कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमारे जो फॉर्मूला बार है उसमें भी आपका फॉर्मूला शो हो रहा है। ठीक है गाइस, तो ये तो था हमारा काउंट। काउंट में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें अल्फाबेटिक वैल्यू नोट करते हो, जैसे मैंने रैम लिखा तो एंटर दबाओगे आप, तो हमारा जो सेल में आंसर है वो डिफरेंट आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि हमारे जो न्यूमेरिकल सेल हैं वो हमारे 6 से हैं। अगर आप इस पर डिलीट करते हो, इस सेल को डिलीट करोगे, तो ये आंसर हमारा 5 रह जाएगा। सो काउंट जो होता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ही काउंट करेगा। उसके बाद हमारा एवरेज है, तो जैसे मैंने कुछ वैल्यू ली है, तो मैंने 4 वैल्यूज ली हैं, इसकी मैंने एवरेज निकालनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू एवरेज। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो, और सभी सेल की सिलेक्शन E17 से E20, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये 57.5 हमारा आंसर आ चुका है। ये कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा, इसको हाईलाइट कर दो गाइस। जो ये हमारे फोर सेल्स हैं इनका जो सम है, जो टोटल है, डिवाइडेड बाय जो हमारे सेल्स हैं, जैसे हमारे सेल हैं 4, तो उसको ये डिवाइड करके 57.5 की एवरेज बनी है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो इक्वल टू सम इन सभी सेल्स का सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद, तो इन सभी का टोटल था 230, और काउंट था इक्वल टू काउंट इन सभी सेल की सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद, तो ये काउंट था 4। अब हमने इनकी इनको डिवाइड करेंगे 230 डिवाइडेड बाय 4, और ब्रैकेट बंद करेंगे, तो ये देखिए आंसर हमारा 57.5 आ चुका है। इसे आप बोल्ड भी कर सकते हो। तो उसके बाद हमारी है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए जैसे मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, तो अभी हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू मीन्स लोएस्ट वैल्यू, जो लोएस्ट वैल्यू है वो कितनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला नोट करेंगे इक्वल टू MIN ब्रैकेट स्टार्ट, जितने भी हमारे सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू है 13। तो आप देख रहे होंगे 13 हमारी मिनिमम वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। सेम हम मैक्सिमम में भी सेम ही करेंगे। मैक्सिमम वाले केस में जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको ये कैलकुलेट करेगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू MAX ब्रैकेट स्टार्ट, इन सभी सेल की सिलेक्शंस, और ब्रैकेट कर देंगे बंद, और 80 हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगा। इसको कलर दे दो। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे फोर फॉर्मूलाज, काउंट, एवरेज, मिन और मैक्स, और फोर फॉर्मूलाज जो हमने किए थे सम, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये टोटल हमारे 8 फार्मूला हो चुके हैं। तो गाइस, काउंट,
एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम, इनको हम ऑटो से भी कर सकते हैं। तो ऑटो में आप देखेंगे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे मैंने वैल्यू लिया है तो मैंने इनका काउंट करना है विदाउट फार्मूला, तो इनको सेलेक्ट करो, आप यहाँ पे जाओ और काउंट नंबर्स पे क्लिक करो, तो ये अपने आप ही आंसर आ जाएगा 5। तो गाइस ये थे हमारे आज के फॉर्मूलाज। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।